हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं लेट जारा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की क्लासेज चला रखा हूँ, जिसमें ज्योग्राफी में प्रेजेंट टाइम में जियोमॉर्फोलॉजी चल रहा है, जिसमें जो नदी हिमानी परिहिमानी भूमिगत जल सागर जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों से रिलेटेड है। तो इसके मैंने टोटल चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, 10 और चैप्टर 11, ये टोटल 6 चैप्टर मैंने इन्हीं से रिलेटेड बनाए हैं। जिसमें जो छठा चैप्टर है उसमें मैंने जो अपरदनात्मक निक्षेपात्मक जो स्थलाकृतियाँ उनका डिस्कस किया है, सातवें चैप्टर में उनके कार्य हैं, आठवें नवें दसवें चैप्टर में इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर ग्यारह में जो क्वेश्चन नंबर है वो है 35वां है, हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के महत्वपूर्ण बिंदु कि हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के महत्वपूर्ण बिंदु हिमचादर या हिमचादर या हिम टोपी के केंद्रीय भाग को हिम गुंबद कहते हैं। क्या है कि हिम चादर या हिम टोपी के केंद्रीय भाग को हिम गुंबद कहते हैं। हिम चादर का उदाहरण अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड। जो अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड है वहां पर हिम चादर फैली हुई है, तो अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड है जो हिम चादर के उदाहरण है। हिमनद का सर्वप्रथम अध्ययन आल्पस पर्वत में किया गया था, इसलिए इसे आल्पस हिमनद कहते हैं। कि जो हिमनद था इसका सर्वप्रथम अध्ययन आल्पस पर्वत में किया गया था, इसलिए इसे आल्पस हिमनद कहते हैं। लटकती घाटी को निलंबित या प्रपाती घाटी भी कहते हैं। जो लटकती घाटी है उसको निलंबित घाटी या प्रपाती घाटी भी कहते हैं। हिमनद घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धचंद्राकार कि हिमनद घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धचंद्राकार या कटोरे के आकार का विशाल गर्त बन जाता है, जिसे सर्क कहते हैं। जिसे सर्क कहते हैं कि हिमनद घाटी के शीर्ष भाग पर एक अर्धचंद्राकार या कटोरे के आकार का विशाल गर्त बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्क कहते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं
सर्क में निर्मित झील को सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। कि सर्क में निर्मित झील को सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। अरेत या तीक्ष्ण कटक कंगी के अरेत या तीक्ष्ण कटक कंगी के दांते के समान समान दिखते हैं। कि जो अरेत या तीक्ष्ण कटक होते हैं वो कंगी के दांते के समान दिखते हैं। किसके समान दिखते हैं? कंगी के दांते के समान दिखते हैं। स्विट्जरलैंड में स्थित मैटरहॉर्न, स्विट्जरलैंड में स्थित मैटरहॉर्न जो कि आल्पस पर्वत पर है। कि स्विट्जरलैंड में स्थित मैटरहॉर्न एक हॉर्न या ग्रीस रंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? हॉर्न या ग्रीस रंग का उदाहरण है। कि स्विट्जरलैंड में स्थित मैटरहॉर्न एक हॉर्न या ग्रीस रंग का उदाहरण है। जो ये मैटरहॉर्न है वो किस में स्थित है? आल्पस पर्वत पर स्थित है। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में आल्पस पर्वत पर स्थित मैटरहॉर्न एक हॉर्न या ग्रीस रंग का उदाहरण है। हॉर्न कई सड़कों से घिरा होता है। कि जो हॉर्न होता है वो कई सड़कों से घिरा हुआ होता है। बेड पीट सेल या रॉस मोटो ने कि भेड़ पीट सेल या रॉस मोटो ने हिमचित कोमल कि भेड़ पीट सेल या रॉस मोटो ने कोमल ऊन वाली कोमल ऊन वाली बैठी हुई भेड़ के समान दिखते हैं। कि जो भेड़ पीट सेल है या रॉस मोटो ने है वो कोमल ऊन वाली बैठी हुई भेड़ के समान दिखाई देता है। और जो ये भेड़ पीट सेल है इसको रॉस मोटो ने किसने कहा था? भेड़ पीट सेल को रॉस मोटो ने नाम डी सासर ने दिया था। कि जो भेड़ पीट सेल है उसको रॉस मोटो ने नाम किसने दिया था? डी सासन ने दिया था। हिम सोपान एक विशाल दैत्याकार की स्थला करती होती। कि जो हिम सोपान है वो एक विशाल देवता आकार की स्थला करती होती है। जब विशाल देवता आकार की सोपान के समान दिखाई देती है। कि जो हिम सोपान है वो एक विशाल देवता आकार की स्थला करती के समान दिखती है। बहुत ही विशाल
सिद्धियों के समान दिखती है, कि जो हिम सोपान होता है, हिम सोपान इस तरीके से बनता है, कैसे बनता है देखो, ऐसे आया, अब यहाँ पर इस तरीके से बनता है हिम सोपान, ये हिम सोपान का एग्जाम्पल है, इस तरीके से बनता है। तो ये क्या है, विशाल देवता आकार का दिखता है, और इसमें जो यहाँ पर ये है, ये पेटरनोस्टर झील, पेटरनोस्टर झील, क्या पेटरनोस्टर झील है, क्या पेटरनोस्टर झील है, कि यहाँ पर जो ये खड्डा है जहाँ पर पानी आके गिरता है या हिमनद आके गिरता है, इसको पेटरनोस्टर झील कहते हैं। तो पेटरनोस्टर झील, पेटरनोस्टर झील, पेटरनोस्टर झील हिम सोपान में स्थित एक स्थलाकृति है, कि जो पेटरनोस्टर झील है वो हिम सोपान में स्थित एक स्थलाकृति है। क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थलाकृति या कौन सी एक झील जो कि हिम सोपान में स्थित रहती है, तो वह पेटरनोस्टर झील, जो पेटरनोस्टर झील है वो हिम सोपान में स्थित रहती है। ये हिम सोपान था, यहाँ पर ये पेटरनोस्टर झील है जो आपको दिख रही होगी। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, बिल्कुल इसी तरीके से कंटिन्यू रहते हुए, हिमानी द्वारा जमा किए गए अवर्गीकृत कि हिमानी द्वारा जमा किए गए अवर्गीकृत तलछट को टिल कहते हैं। क्या होता है कि हिमानी द्वारा जमा किए गए अवर्गीकृत तलछट को टिल कहते हैं। क्या कहते हैं? टिल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता रहता है कि हिमानी द्वारा जमा किए गए अवर्गीकृत तलछट को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं टिल। उसके बाद हम बात करते हैं हिमनद के निक्षेपण द्वारा निर्मित समतल मैदान को ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहते हैं। कि हिमनद के निक्षेपण द्वारा निर्मित समतल मैदान को ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहते हैं। हिमनद द्वारा पदार्थों के निक्षेप को हिमोद कहते हैं। कि हिमनद द्वारा पदार्थों के निक्षेप को क्या कहते हैं? हिमोद कहते हैं। ब्रोमेलिन एक गोलाश्म मृतिका द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, कि जो ड्रमलिन है वो गोलाश्म मृतिका द्वारा, किसके द्वारा? गोलाश्म मृतिका द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है, कि जो ड्रमलिन है वो गोलाश्म मृतिका द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है। ड्रमलिन उल्टी नौका या
कटे हुए उल्टे अंडे के समान दिखती है, कि जो ड्रमलिन है वो उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान दिखती है। ड्रमलिन की जो आकृति होती है वो इस तरीके से होती है, देखो इस तरीके से होता है ड्रमलिन। ड्रमलिन बिल्कुल इसी तरीके से होता है, तो ये एक उल्टी नौका की तरह जब नाव को उल्ट देते हैं बिल्कुल उसी तरीके से दिखती है। या फिर जो अंडा को काट के और उसको उल्टा रख दो, अंडे को काट के उसको उल्टा रख दो, बिल्कुल उसके तरह दिखती है। तो ड्रमलिन उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान दिखती है। जब ड्रमलिन एक जगह अधिक संख्या में होते हैं, कि जब ड्रमलिन एक जगह अधिक संख्या में होते हैं तो उस समूह को अंडों की टोकरी कहते हैं। कि जब किसी क्षेत्र में एक साथ या एक जगह पर बहुत सारे ड्रमलिन हैं तो उस क्षेत्र को अंडे की टोकरी कहते हैं, या फिर वो क्षेत्र एक अंडों की टोकरी के समान दिखाई देता है। कि जब ड्रमलिन एक जगह अधिक संख्या में होते हैं तो उस समूह को अंडों की टोकरी कहते हैं। तो उस ड्रमलिन के समूह को क्या कहते हैं, अंडों की टोकरी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडों की टोकरी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन देखो यहीं से पुट अप होता है, ये सारे के सारे क्या है कंफ्यूज करने वाले हैं। जैसे कि अंडों की टोकरी के समान कौन सी आकृति दिखाई देती है, दैत्याकार की स्थलाकृति कौन सी है, तो क्वेश्चन यहीं से पुट अप होते हैं। बाकी का आप पढ़ रहे हो वो एक नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको, और अब जो प्रेजेंट टाइम में हमें अपना नॉलेज बढ़ाने के मकसद से नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है एग्जाम क्वालिफाई करने के टारगेट से, जिससे हम एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। हिमानी जलोद निक्सेल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में एस्कर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। कि हिमानी जलोद निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में एस्कर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। एस्कर बजरी रेत कंकड़ पत्थर द्वारा ऐसे जो बजरी रेत कंकड़ पत्थर द्वारा निर्मित होता है, कि जो ऐसकर है उसका निर्माण बजरी रेत व कंकड़ पत्थर के द्वारा होता है। एस्कर का विस्तार हिमनद या जलधारा की दिशा के समानांतर होता है। कि जो एस्कर होता है उसका जो विस्तार होता है वो हिमनद या जलधारा की दिशा के समानांतर होता है। एस्कर कैसे होता है, जैसे ये एक एस्कर का एग्जांपल है। अब यहाँ पर ये हिमनद प्रवाहित हो रहा है और ये इस तरीके से एस्कर है। तो ये था एस्कर का डायग्राम। तो एस्कर का विस्तार हिमनद या जलधारा की दिशा के समानांतर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कैम के किनारे तीव्र ढाल
वाले होते हैं, कि जो केम है उसके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं, जो बजरी एवं रेत द्वारा निर्मित होते हैं। कि जो केम के किनारे होते हैं वो तीव्र ढाल वाले होते हैं, जो कि बजरी या रेत के द्वारा निर्मित होते हैं। केटिल केटिल केम के विपरीत एक गर्तनुमा स्थलाकृति होती है। कि जो केटिल है वो कैम के विपरीत एक गर्तनुमा स्थलाकृति होती है। कि जो केटिल है वो कैम के विपरीत एक गर्तनुमा स्थलाकृति होती है। केटिल के मध्य छोटे छोटे टीले होते हैं, जिन्हें हम्मक कहते हैं। कि जो केटिल है, केटिल क्या होता है, एक गर्तनुमा स्थलाकृति होती है, ऐसे गर्तनुमा स्थलाकृति होती है। अब इसमें ये छोटे छोटे टीले होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे टीले होते हैं। तो ये तो क्या है, गर्तनुमा स्थलाकृति, ये तो है केटिल। और इसमें जो ये गर्तनुमा स्थलाकृति है, ये टीले हैं, इन टीलों को क्या कहते हैं, हम्मक कहते हैं। कि केटिल एक गर्तनुमा स्थलाकृति है और उसमें जो छोटे छोटे टीले हैं इनको हम्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, हम्मक कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, झीलों की अधिक संख्या के कारण फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहते हैं। कि झीलों की अधिक संख्या के कारण फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहते हैं। फियार्ड, देखो यहां से क्वेश्चन दो तीन बार पूछा जा चुका है, इसको याद करना। फियार्ड नॉर्वे, ग्रीनलैंड स्कॉटलैंड, चिली और न्यूजीलैंड में सर्वाधिक विस्तृत है। कि जो फिनलैंड और जो फियार्ड होता है वो सबसे ज्यादा नॉर्वे, ग्रीनलैंड, स्कॉटलैंड, चिली, न्यूजीलैंड में विस्तृत है। क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में फियार्ड नहीं पाया जाता, उसमें नॉर्वे, ग्रीनलैंड, स्कॉटलैंड, चिली और न्यूजीलैंड ये एग्जांपल दे देता है, और एक इनके अलावा दूसरा दे देता है, जैसे कनाडा दे दिया या फिर जैसे भारत दे दिया। तो क्या होता है, ये क्षेत्र हैं जैसे नॉर्वे, ग्रीनलैंड, स्कॉटलैंड, चिली और न्यूजीलैंड, ये पांच क्षेत्र हैं जहां पर फियार्ड सर्वाधिक अधिक संख्या में पाए जाते हैं, ये सर्वाधिक विस्तृत रहते हैं। हिमगर दोबारा लिखता हूँ, ही मैं है गर, हिमगर एक आरामदायक कुर्सी के समान दिखती है। कि जो हिमगर है वो एक आरामदायक कुर्सी के समान दिखती है। किसके समान दिखती है, एक आरामदायक कुर्सी के समान दिखती है। तो दोस्तों इस 11वें चैप्टर के साथ हमारी जो पांच स्थलाकृतियां थी, इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। इन 6 चैप्टरों के अलावा इन स्थलाकृतियों से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है।
जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट था वो मैं सारा लिख दिया। वैसे तो इनसे रिलेटेड एक बुक भी है, 500 पेजों की, 200-300 पेजों की एक बुक है, उसमें बहुत सारा डिटेल से दे रखा है। यदि आपको नॉलेज बढ़ाना है, आप गूगल से, सविंदर सिंह से, खुल्लर से, बहुत सारी बुक है मार्केट में, वहाँ से आप नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन हमें यदि एग्ज़ाम पास करना है, कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो उसमें हमें यही मैटर पढ़ना पड़ेगा जो मैं आपको दे दिया हूँ। इसको अच्छे तरीके से याद करना, सारे के सारे चैप्टर पढ़ना। कभी आप दो को पढ़ लो, तीन को छोड़ दो, तीन को पढ़ लिया, तीन को छोड़ दिया, ऐसे मत करना। सभी को पढ़ना, दो दो तीन तीन बार देखोगे, अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। जहाँ कन्फ्यूज होता था वहाँ मैंने ट्रिक बता दिया है, क्योंकि मैं मानता हूँ जहाँ मैं कन्फ्यूज होता हूँ वहाँ पर शायद आप भी कन्फ्यूज होते होंगे। तो ये था मेरा मैटर। हाँ, यदि आप, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हूँ मैं नेट जर्फ के लिए, एक नेट जर्फ के लिए, नेट जर्फ के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें यदि आपको ऐड होना है तो मोबाइल नंबर है 7891350470। इस मोबाइल के द्वारा, मोबाइल नंबर के मीडियम से आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, यदि आप ज्योग्राफी से हो तो ज्योग्राफी लिख के ऐड कर देना, सेंड कर देना। और यदि आप अदर सब्जेक्ट से हो तो मेरे को, वैसे आप फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हो, फर्स्ट पेपर के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, तो आप मेरे को फर्स्ट पेपर लिख के सेंड कर देना। और यदि ज्योग्राफी से आप ऐड होना चाहते हो तो ज्योग्राफी लिख के सेंड कर देना। तो थैंक्स दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को दबाओ। थैंक्स देखने के लिए, बाय।